हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस सीरीज का तीसरा मॉड्यूल दैट इज पॉइंटर्स टू पॉइंटर सीखने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं। हमने अभी तक पॉइंटर्स में क्या क्या सीख रखा है। हमें एक पॉइंटर बनाना होता है, तो सबसे पहले तो एक लेट सपोज इंटीजर हम वेरिएबल बनाते हैं। उस इंटीजर वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं 5। तो इससे होता क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक बनती है 4 बाइट्स की, और उस 4 बाइट्स में 5 स्टोर हो जाता है। और उस मेमोरी ब्लॉक का जो नाम होता है वो होता है आंसर। लेट सपोज ये मेमोरी ब्लॉक 4K एड्रेस से शुरू होती है। आंसर वेरिएबल लिखने से इतना होता है, हमने देख रखा है ऑलरेडी। अब इस आंसर वेरिएबल का जो एड्रेस है 4K, उसको स्टोर करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाने के लिए इंट स्टार लिखो, पॉइंटर का नाम लेट सपोज पॉइंटर, एंड उसमें क्या स्टोर कर दो, इस आंसर वेरिएबल का एड्रेस, दैट इज एड्रेस ऑफ आंसर। इससे हुआ क्या, एक मेमोरी ब्लॉक बना, उसमें क्या स्टोर हो गया, 4K स्टोर हो गया। और ये मेमोरी ब्लॉक किसके लिए बना है, पॉइंटर वेरिएबल के लिए बना है, जिसका खुद का कुछ एड्रेस होगा लेट सपोज 6K। अब मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या एक पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस है, क्या हम वो किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? एंड इसका आंसर होता है यस। एक हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अगर हमें इंटीजर टाइप का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होता था तो इंट चार लिखते थे। तो अगर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस स्टोर करना है 6K, तो हम क्या लिख रहे होंगे, एक एड्रेस स्टोर करने के लिए इंट डबल एस्ट्रिक, एक एड्रेस स्टोर करना है जो कि इंटीजर पॉइंटर है। तो लेट सपोज उस वेरिएबल का नाम है पॉइंटर टू पॉइंटर, एंड इसमें हम क्या स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ PTR। इससे मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बना जिसमें क्या स्टोर्ड है, जिसमें 6K स्टोर्ड है। ये मेमोरी ब्लॉक है किसके लिए, पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए, यहाँ पर स्टोर्ड है 6K। अब इसका खुद का भी कुछ एड्रेस होगा लेट सपोज वो 8K है। तो हमने क्रिएट क्या कर लिया, हमने एक पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट कर लिया। इस पॉइंटर टू पॉइंटर में 6K स्टोर्ड है, जो कि क्या है, एक पॉइंटर टू इंटीजर का एड्रेस है। तो अगर मैं आपको एरोज के टर्म्स में समझाना चाहूँ तो पॉइंटर टू पॉइंटर में 6K स्टोर्ड है, जो कि एक पॉइंटर टू इंटीजर का एड्रेस स्टोर करता है, और उस एड्रेस पर एक इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर हमें पॉइंटर के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस करना होता था तो क्या लिखते थे, हम लिखते थे सी आउट एस्ट्रिक PTR। इससे हम क्या लिख पाते थे, इससे हम 4K पर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस कर पाते थे यूजिंग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो अगर मैं इस 6K पर डीरेफरेंसिंग करूं, यानी मैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर परफॉर्म करूं ऑन पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इससे होगा क्या, 6K पर पड़ी हुई वैल्यू दैट इज 4K वो प्रिंट हो जाएगी। यानी इससे क्या प्रिंट होने वाला है, इससे एड्रेस ऑफ आंसर प्रिंट होने वाला है, 4K आंसर वेरिएबल का एड्रेस। तो अगर मुझे ये 5 प्रिंट करना होता यूजिंग दिस पॉइंटर टू पॉइंटर, तो मैं क्या करता, इस पे जो वैल्यू आई है दैट इज 4K, उस पर जो वैल्यू है 5, उसको प्रिंट करने के लिए मैं लगा देता एस्ट्रिक ऑफ दिस पॉइंटर टू पॉइंटर का डीरेफरेंसिंग। यानी डीरेफरेंस करो एक बार 6K पर जो वैल्यू पड़ी है दैट इज 4K, और उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको डीरेफरेंसिंग करने के लिए 4K पर जो वैल्यू पड़ी है 5 वो प्रिंट कर दो, तो इससे 5 प्रिंट हो जाएगा। इससे क्या प्रिंट हुआ, इससे प्रिंट हुआ 4K। और अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ पॉइंटर टू पॉइंटर प्रिंट करता, अगर मैं सिर्फ पॉइंटर टू पॉइंटर प्रिंट करता तो क्या होता, तो सिंपली जो 6K स्टोर्ड है हमारे पॉइंटर टू पॉइंटर में वो हमारा 6K प्रिंट हो जाता। पॉइंटर टू पॉइंटर की वैल्यू है 6K, वो प्रिंट हो गई। एस्ट्रिक ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर यानी 6K पर जो वैल्यू पड़ी है 4K वो प्रिंट हो जाएगी। डबल एस्ट्रिक पॉइंटर टू पॉइंटर यानी डी रेफरेंसिंग पॉइंटर टू पॉइंटर, एंड उसको डी रेफरेंस करना जो उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी उससे प्रिंट होने वाला है। 6K पर वैल्यू पड़ी है 4K, 4K पर वैल्यू पड़ी है 5,
तो यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार हमने जो पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट करा है उसको एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू बनाया, आंसर वेरिएबल उसका नाम दिया, उसमें स्टोर कर लिया 5। अब हम एक पॉइंटर टू इंटीजर बनाना चाहते हैं और उसमें एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं आंसर का। अब लेट सपोज मेरे को पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है या डबल पॉइंटर बनाना है, इसको डबल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका लेट सपोज नाम देता हूँ मैं पॉइंटर टू पॉइंटर। इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ पॉइंटर का एड्रेस। अगर मैं प्रिंट करूँ आंसर को एंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूँ मैं एड्रेस ऑफ आंसर को, या फिर मैं प्रिंट करूँ पॉइंटर में जो वैल्यू पड़ी है उसको एंड नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करूँ एड्रेस ऑफ आंसर के बाद, अगर हम मुझे यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर इस पॉइंटर पर जो वैल्यू पड़ी है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, मुझे मेरे को लिखना पड़ेगा डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। और यहाँ पर अगर मुझे पॉइंटर की मदद से आंसर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक ऑफ पॉइंटर। एंड सिमिलरली पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से हमें आंसर को प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक ऑफ एस्ट्रिक पॉइंटर टू पॉइंटर। यानी पहली लाइन से आंसर को प्रिंट करो या डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर या फिर डी रेफरेंसिंग पॉइंटर टू पॉइंटर, इन तीनों से 5 प्रिंट होने वाला है। और दूसरी लाइन से क्या प्रिंट होएगा, एड्रेस ऑफ आंसर या फिर पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है या फिर डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। तो या तो आंसर वेरिएबल का एड्रेस 4K वो प्रिंट कर दो, या पॉइंटर में जो पड़ा है 4K वो प्रिंट कर दो, या फिर डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर दैट इज 6K पर जो वैल्यू पड़ी है 4K वो प्रिंट कर दो। तो दूसरी लाइन से तीनों चीज़ों से 4K प्रिंट होने वाला है, पहली लाइन से तीनों चीज़ों से 5 प्रिंट होने वाला है। तो एक बार देख भी लेते हैं। तो देखो पहली लाइन से तो तीनों जगह 5 प्रिंट हो गया। अब जो एड्रेसेस प्रिंट हुए ये किसके एड्रेस हैं, ये तीनों एड्रेसेस सेम है, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लगाया, एक स्पेस भी लगा देते हैं। पहले तो तीनों 5 प्रिंट हो गए, देन जो एड्रेसेस प्रिंट हुए हैं ये आंसर वेरिएबल के एड्रेसेस हैं, तो ये तीनों एड्रेसेस सेम है। तो यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर एक्सेस करो या डायरेक्टली पॉइंटर से एक्सेस कर लो या एड्रेस ऑफ आंसर लिख लो, एक ही बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यूजिंग पॉइंटर टू पॉइंटर आंसर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट डबल एस्ट्रिक पॉइंटर टू पॉइंटर, इसमें वैल्यू डाल दो 10। तो इससे हो क्या जाएगा, आंसर वेरिएबल में चेंज आ जाएगा। अब आंसर को प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होने वाला है, तो 10 प्रिंट हो गया। यानी हम एक पॉइंटर टू पॉइंटर बना सकते हैं और उससे हम इस 5 को चेंज कर सकते हैं दो बार डी रेफरेंस करके, दो लेवल की डी रेफरेंसिंग करके। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे को एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है, तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली एड्रेस ऑफ आंसर यानी 4K स्टोर नहीं कर सकता, एड्रेस ऑफ आंसर, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? और मेरा आंसर होगा नहीं। ये क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक पॉइंटर टू पॉइंटर में जो कि एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना चाहता है उसमें अगर डायरेक्टली अगर हम 4K स्टोर कर लेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर में 4K स्टोर कर लिया, तो क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर दो लेवल की डीरेफरेंसिंग कर सकता है, तो अगर अब हम इस पॉइंटर टू पॉइंटर पे दो लेवल की डीरेफरेंसिंग करें तो क्या गलत हो जाएगा। हमने बोला पॉइंटर टू पॉइंटर में जो एड्रेस पड़ा है उस पर वैल्यू पड़ी है 5, एंड फिर दूसरी बार डी रेफरेंसिंग करेंगे तो 5 पर क्या वैल्यू पड़ी है, लेकिन 5 तो एड्रेस नहीं है, 5 तो एक्चुअल में वैल्यू है। तो दो बार डी रेफरेंसिंग करना एक पॉइंटर टू पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर कर रहा हो डायरेक्टली एक इंटीजर का, वो करना गलत हो जाएगा। तो हमने क्या देख लिया, एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें एड्रेसेस किसके स्टोर कर सकते हैं,
यानी एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल में हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल का, और एक पॉइंटर वेरिएबल में किसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल का। और क्योंकि जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो स्ट्रांगली टाइप्ड हैं, तो अगर हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट करवाना है तो एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और एक हमें इंटीजर पॉइंटर को पॉइंट करवाना है तो हमें एक पॉइंटर टू इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पॉइंटर टू पॉइंटर समझ आया होगा। एंड इसमें अगर हम और भी लेवल की डीरेफरेंसिंग करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली एक और, अगर हमें ऑपरेटर एक और हमें लेवल इंक्रीज करना हो तो हम पॉइंटर टू पॉइंटर भी बना सकते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, जिसमें क्या स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अगर अब मैं इस पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से मैं चेंज करना चाहूँ आंसर वेरिएबल की वैल्यू, लेट सपोज 15 बनाना चाहूँ, तो वो कैसे करना पड़ेगा मुझे, 3 बार एस्ट्रिक लगाकर। तो अगर अब मैं आंसर को प्रिंट करूँगा तो 15 प्रिंट हो जाएगा। और पहले तो एरर देख लेते हैं क्या आ रहा है, हमने क्या करा, पॉइंटर टू पॉइंटर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, तो हमारी वैल्यू 15 प्रिंट हो गई। मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में हुआ हमने एक और ब्लॉक बनाया, वो क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, और इसमें क्या स्टोर्ड है, इसमें स्टोर्ड है इस पॉइंटर टू पॉइंटर का एड्रेस, इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा। तो हम इस पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से इस 5 को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, एक बार डी रेफरेंस करके, दूसरी बार डी रेफरेंस करके, एंड तीसरी बार डी रेफरेंस करके, यानी 3 लेवल की डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं हम पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से डायरेक्टली इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो इसके साथ आप कुछ कुछ खेल के आप अपने पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हम एरेज के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बाय बाय।